हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रेसिड्यू निकालना। सो रेसिड्यू हम जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक एमएससी मैथमेटिक्स का। इसमें हमें सबसे पहले ज़ीरोज एंड पोल्स निकालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट बोला गया है फाइंड दी ज़ीरोज एंड पोल्स ऑफ द फंक्शन। ज़ीरोज निकालने हैं एंड पोल्स। उसके बाद आपको डिटरमाइन करना है, जहाँ पे पोल्स होते हैं वहीं पर हम रेसिड्यू कैलकुलेट करते हैं। सो रेसिड्यू निकालेंगे जहाँ पर हमें पोल्स मिलेगा। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वो आप देख लीजिए, पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, जहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस फोर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है जेड क्यूब प्लस टू जेड स्क्वायर प्लस टू जेड। तो हम इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर द ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शन आप न्यूमरेटर ज़ीरो ले लेंगे, क्योंकि ज़ीरोज़ तो आपको डायरेक्टली मिल जाता है जब आप एफ जेड इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं। तो डिनोमिनेटर तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर आपका हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व कर लेंगे, जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर, और जेड स्क्वायर में से स्क्वायर हटाएंगे, रूट ले लेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस फोर। और रूट ऑफ माइनस फोर है तो इसको आप लिख सकते हैं रूट ऑफ माइनस वन इंटू फोर। तो रूट में जब माइनस वन रहता है उसको कहते हैं आई आयोटा, और रूट टू को रूट फोर हो जाएगा हमारा टू। सो इस तरह से जेड आ गया हमारा प्लस माइनस टू आई। और ये दोनों की ये दो जो आपको ज़ीरोज मिले हैं, पहला प्लस टू आई और दूसरा माइनस टू आई, दोनों की मल्टीप्लिसिटी वन है, दोनों एक ही बार हैं, इसलिए ये सिंपल ज़ीरोज कहला दिए। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड। पोल्स क्या होता है, तो जहाँ पर सिंगुलैरिटी होती है वहाँ हमें पोल मिलता है। तो सिंगुलैरिटी कहाँ से आएगी आपकी, जब आप डिनोमिनेटर को ज़ीरो ले लेंगे। तो ये हम लेंगे जेड क्यूब प्लस टू जेड स्क्वायर प्लस टू जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से आप देखिए इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इसके पावर थ्री है, इसका मतलब इसके थ्री आपको रूट्स मिल जाएंगे। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों टर्म्स में से z कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस टू। इसके बाद यहाँ से एक रूट हो जाएगा z इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड दो यहाँ से मिलेंगे आपको जब आप लेंगे z स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो एक तो ये हो गया, दूसरे दो को निकालने के लिए आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, जहाँ पर a z स्क्वायर का कोफिशेंट है, b z का, और c ये कॉन्स्टेंट कहलाता है। तो ये हम निकाल लेंगे, ये तो बहुत ईजी है, आप एट्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ देखिए z के तीन वैल्यूज़ आ गई, एक ज़ीरो, एक माइनस वन प्लस आई, दूसरा माइनस वन माइनस आई। ठीक है, तो तीन आपको रूट्स मिल चुके हैं, और ये तीनों क्या हैं, इस इक्वेशन के लिए, इस फंक्शन के लिए हमारे पोल्स हैं। ठीक है, इसके पोल्स हैं, और आप देखिए इन ये तीनों एक ही बार हैं, सिंगल बार हैं, तो इनकी मल्टीप्लिसिटी वन है, इसलिए ये सिंपल पोल हैं। ठीक है, अब सिंपल पोल का रेसिड्यू कैसे निकालते हैं वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो रेसिड्यू की डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ, इसमें सिंपल पोल अगर है हमारा तब क्या रेसिड्यू होगा, डेफिनेशन क्या होगी उसकी निकालने की, वो मैं आपको बताती हूँ इसमें। तो देखिए ये होता है डेफिनेशन टू कैलकुलेट द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड, जब आपका पोल कैसा हो, सिंपल सिंपल पोल हो, तब आप ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एफ एट जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट, ये क्या है आपका पोल, जेड नॉट पोल है, वो पॉइंट है जहाँ पर आपको पोल मिला है। उसके लिए आपको जब रेसिड्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ जेड। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पर रेसिड्यू कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास तीन पोल आए हैं और तीनों ही सिंपल पोल हैं, तो तीनों में हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड एट जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जो सबसे पहला पोल था उस पर हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू ज़ीरो, ज़ीरो पॉइंट पर जेड माइनस ज़ीरो एफ जेड। ठीक है, जेड नॉट हमारे यहाँ ज़ीरो है। फिर
हमने ये एफ जेड की वैल्यू रख दी है जो गिवन है क्वेश्चन में। इसके बाद ये जेड हमने यहाँ से कॉमन लिया तो वो जेड से ये जेड कैंसिल हुआ तो सिर्फ ये बचा। इसके बाद आप लिमिट रख दीजिए ज़ीरो, जेड की वैल्यू ज़ीरो इधर पर, इधर और इधर, तो ये 4/2 बचेगा जिसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारा रेसिड्यू आ गया और द फंक्शन एफ एट द पोल जेड इज़ इक्वल्स टू 0। फर्स्ट जो पोल है उस पर हमें रेसिड्यू मिला है 2। अब हम सेकेंड पोल देखते हैं। सेकेंड पोल हमारा क्या था, जेड इज़ इक्वल्स टू -1 + i। इस पर भी रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे और ये भी सिंपल पोल है तो डेफिनेशन आपकी यही रहेगी। ये लिख दिया मैंने डेफिनेशन, जेड माइनस जेड नॉट थी इसलिए साइन चेंज कर दी, ये +1 - i एफ सेट। इसके बाद ये हमने वैल्यू रख दी जो गिवन है। इसके बाद ये जो है दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक टर्म, इसको जब आप लिखेंगे इस तरह से हम लिख सकते हैं इजीली प्रोडक्ट ऑफ, इनको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। देखिए इस इक्वेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में, और इजी है बहुत निकालना, इसको कोई बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। आपने जब इसके रूट निकाले थे इस इक्वेशन के तो दो रूट्स आए थे, एक -1 + i, दूसरा -1 - i, तो बस उसी को आपको राइट साइड ले आना है। तो ये हो जाएगा z माइनस, यही टर्म रहेगी -1 - i जो सेकेंड था हमारा, और एक ये वाली -1 + i। बहुत ईजी है ये लिखना, ठीक है। जैसे आपके रूट्स रहते हैं किसी इक्वेशन की 2 और 3, तो आप उस इक्वेशन को लिख सकते हैं z-2 × z-3 इस तरह से, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी इससे और ये टर्म बचेगी। फिर हम ये वैल्यू रख देंगे लिमिट की, जेड की वैल्यू रख देंगे -1 + i यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर इस तरह से, देखिए ये रख दिया। इसके बाद हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है वो मैंने यहाँ लिख दी है। ये सॉल्व कर लिया हमने तो ये हमें मिला, ठीक है। अब -1 चाहिए तो कॉमन ले लीजिए। इसके बाद हमें ये इक्वेशन मिल रही है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे इसके कॉम्प्लीमेंट से, मतलब ये 2i + 2 है, इसको आप पहले लिख लीजिए ऑर्डर में 2 + 2i, ठीक है। जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, पहले रियल पार्ट आता है फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट, तो इसको आप लिख लेंगे 2 + 2i, तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 2i से, ठीक है। सो ये मैंने कर दिया, देखिए 2 - 2i से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। इससे ये होगा कि डिनोमिनेटर से i हट जाएगा, सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाएगा। आई कैसे हटेगा, यहाँ a + b a - b का फॉर्मूला लगा देंगे, a² - b² और i² - 1 हो जाएगा तो ये +4 बन जाएगा। फिर आप देखिए ये आ गई हमारी वैल्यू, जो कि ये रियल पार्ट है 1/2 -1/2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है +3/2। सो ये है रेसिड्यू एट अ पॉइंट -1 + i। अब जो थर्ड पॉइंट था हमारा, उस पर वो भी एक पोल है, वो है -1 - i, इस पर भी रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे। ये भी सिंपल पोल है तो रेसिड्यू निकालने का सेम मेथड है। आपने क्या करना है, यहाँ लिमिट लगा दिया, z टेंड्स टू z नॉट की वैल्यू ये है, z - z0, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। एफ जेड की वैल्यू रख दी, उसके बाद सेम वही डिनोमिनेटर को हमने इस तरह से लिख दिया प्रोडक्ट के फॉर्म में, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म बचेगी। फिर हम लिमिट की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए सबसे पहले, फिर ये हमारा फॉर्म बन रहा है ये, ओके। इसको मल्टीप्लाई करना था, पहले फैक्टराइज कर लिया है, कोई बात नहीं, इसको हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 1 - i से ताकि ये i कैंसिल हो जाए। उसके बाद हम इस i को हटाने के लिए ऊपर नीचे i का मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो ये हमें मिल जाएगा। और ये क्या है, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट अ पॉइंट जेड इज़ इक्वल्स टू -1 - i। इस तरह से हम तीनों पॉइंट्स पर रेसिड्यू कैलकुलेट कर लेंगे। रेसिड्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नेट में सेट में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप रेसिड्यू जानिए। रेसिड्यू क्या शॉर्ट फॉर्म है, दिस इज़ res, कई बार क्वेश्चंस में res लिखा होता है, वो रेसिड्यू है। और रेसिड्यू कैलकुलेट करने का ये मेथड है फॉर, अगर आपके पोल सिंपल पोल हैं तब। इसके अलावा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।